एमपी की खजुराहो लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी को दी। ऐसे में सपा प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाने के कारण अब गठबंधन 12 निर्दलीय प्रत्याशियों में से किसी एक प्रत्याशी का समर्थन करेगा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने खजुराहो में चल रहे समाजवादी के गहन मंथन के दौरान हुई चर्चा की जानकारी मीडिया को दी। मनोज यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है, जिसका जवाब इस चुनाव में क्षेत्र की जनता देगी और हम किसी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देंगे और भाजपा का मुकाबला करेंगे। पहले हम लोगों की रणनीति चल रही थी कि बेहतर से बेहतर प्रत्याशी दिए जाए, तो पहले मुझे प्रत्याशी बनाया गया था। इसके साथ में सभी लोगों ने कहा कि एक सीट मिली है तो महिलाओं की जो हिस्सेदारी है, समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं को अपना हक दे के चलती है, तो एक महिलाओं की शक्तियों की को भी जोड़ा जाए और आप और वो दोनों मिलकर खजुराहो सीट को जीतने का टारगेट था। इसके तहत सभी की सहमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार ये प्रत्याशी उतारा गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो मोदी जी गारंटी देते हैं केवल झूठ की गारंटी है, अत्याचार की गारंटी है। इसके तहत उन्होंने षड्यंत्र किया समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ, उसका बदला हम लोग इस चुनाव में और इंडिया गठबंधन जरूर ले। कल तक किसी प्रत्याशी जो भी है मैदान में उनके साथ समर्थन की घोषणा करेगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और खजुराहो की सीट को जीतने का 100% पूरा प्रयास रहेगा और हम लोग जीत के बताएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।